पेश खिदमत है मायनाज मुसन्निफ शौकत सिद्दीकी के कलम से मुआशरे के सर्द गर्म और तल्ख शीरी हकायक को उजागर करती इनाम याफ्ता नावल खुदा की बस्ती राजा और नौशा की कहानी। उसने आसपास बैठे हुए लोगों को इस तरह गर्दन ऊंची करके देखा जैसे कह रहा हो, अबे हम तो मास्टर जी की भी गलतियां पकड़ लेते हैं। सलमान इस बार से संभला भी न था कि एक बूढ़े ने उठकर पूछा, मास्टर जी ये हिजर की शब क्या होवे है? उसी वक्त किसी नौजवान ने टोका, चाचा बैठ जा, ये बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। दूसरा उससे भी दो कदम आगे गया, अबे ये आशिकी माशूकी की बातें हैं। उसने सीने पर हाथ रखा और ज़ोरदार नारा लगाया, हाय मधुबाला पिला दे शरबत का प्याला। इस बात पर खासा हंगामा बरपा हो गया। कुछ लोगों ने उठकर एहतजाज किया कि जिस नौजवान ने मधुबाला वाली बात कही है उसे सज़ा के तौर पर फौरन क्लास से निकाल दिया जाए, मगर वो निकलने पर किसी तौर पर आमादा ना था। उसकी दलील ये थी कि उसने सिर्फ शेर पढ़ा था, गाली नहीं बकी थी। कुछ उसके हिमायती भी पैदा हो गए। इस तरह दो टोलियाँ बन गई और एक दूसरे के खिलाफ शोर मचाने लगी। सलमान घबरा गया। फौरन ही अली अहमद सामने आ गया। उसने उन्हें समझा बुझा कर क्लास को काबू में किया और देर तक तख्ते स्याह पर आम फहम और दिलचस्प जुमले लिख लिख कर पूछता रहा। उस रात सलमान और अली अहमद तालीम बालगा के मरकज से देर में लौटे। रास्ते में अली अहमद ने सलमान को समझाया कि जिन लोगों को वो पढ़ाता है वो बहुत पसमानदा और पिछड़े हुए हैं। फलक पहमा का मकसद फ़िलहाल ये है कि उन्हें इतना इल्म सिखा दिया जाए कि वो कुछ लिखने पढ़ने के काबिल हो जाएं। उनकी जहनी नशनुमा मुताले से होगी जो बाद का मरहला है। सलमान चुप रहा। अली अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे रोमांटिक मूड ने तो पूरी क्लास को रोमांटिक बना दिया था। सलमान पहले ही शर्मिंदा था, इस जुमले पर और शर्मिंदा हो गया। उससे कुछ न कहा गया। खामोशी से अली अहमद का तंज झेल गया। फलक पैमा का माहाना इजलास हुआ। डॉक्टर जैदी ने हर ग्रुप के बारे में रिपोर्ट पेश की। उसके तजिये से ये अंदाज़ा हुआ कि अली अहमद का ग्रुप सबसे ज़्यादा कामयाब और मौसर साबित हो रहा था। दारुल मुतालिया कायम करने वाले ग्रुप का काम अफसोसनाक हद तक सुस्त और गैर मौसर था। हकीकत भी यही थी। फ़िलहाल एक दारुल मुतालिया कायम किया गया। वो ऐसी बस्ती में था जहाँ की बेशतर आबादी कुल अनपढ़ थी। दारुल मुतालिया हर वक्त खाली रहता। कभी कभार कोई आता तो सिर्फ रिसालों और अखबारों की तस्वीर देखकर चला जाता। लिहाजा इजलास ने यह फैसला किया कि दारुल मुतालिया ग्रुप ख़त्म कर दिया जाए और उसे तालीम बालगां ग्रुप में मदगम कर दिया जाए। तालीम बालगां के साथ साथ तकरीरों का सिलसिला भी चलता रहा। सफदर बशीर अपने ग्रुप के दो इस्काई लारकों के हमरा रोज़ाना किसी पसमानदा बस्ती में जाता और अच्छा शहरी बनने और साफ़ सुथरी ज़िंदगी बसर करने और तालीम की अहमियत पर ज़ोर देता। तवहम परस्ती और फरसूदा रस्म व रिवाज से पैदा होने वाले माशरती बुराइयों की निशानदेही करता। उन्हें तर्क करने और उनके ख़िलाफ़ मौसर तौर पर जद्दोजहद करने की तलकीन करता। वो आम फहम अंदाज में उनकी ज़हनी तरबियत करता। उनका सियासी और समाजी शऊर बेदार करने की कोशिश करता। हर शाम वो किसी चौराहे या गली के नुक्कड़ पर खड़ा हो जाता, अपनी तकरीर शुरू करता। उसकी तकरीर सुनने के लिए लोग इकट्ठे होते, दिलचस्पी और तवज्जो से उसकी बातें सुनते और अपने ठिकानों को लौट जाते। लेकिन कुछ ही अरसे बाद सफदर बशीर ये महसूस करने लगा कि इन जलसों का खातिरखा नतीजा बरामद नहीं हो रहा है। उसकी हैसियत मजमागीर अत्ताई मौलिज या दवा फरोश की मानिंद है जो अपनी लच्छेदार और पुरलुत्फ बातों से लोगों को इकट्ठा करके उनकी जेबों से रकम निकलवाने का गुर जानता है। सफदर बशीर अपनी कोशिशों के बारे में उसी अंदाज से सोच रहा था। वो अवाम में जिस तब्दीली के देखने का ख्वाहां था कहीं नज़र न आती थी। हालांकि डॉक्टर जैदी ने अपनी रिपोर्ट में उसके ग्रुप की कोशिशों को सराहा था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि तहरीक तालीम बालगा को कामयाब बनाने में सफदर बशीर और उसके ग्रुप के दूसरे स्काईलार की तकरीरों ने बड़ी हद तक ज़मीन हमवार की है। शहर के पसमानदा और नशेबी इलाकों में नागहानी टाइफाइड की वबा फूट पड़ी।
तालीम बालगां के मरकजों में तलबा की तादाद तेजी से घटने लगी। हर तरफ बीमारी का जोर था, सूरत हाल खासी तशवीशनाक थी। सफदर बशीर ने फौरन फलक पैमा का इजलास बुलाया और ये तजवीज़ पेश की कि उसका ग्रुप भी तोड़ दिया जाए। डॉक्टर जैदी की सरबराही में एक नया ग्रुप तश्कील दिया जाए जो टाइफाइड के मरीजों को तिब्बी इमदाद मुहैया करे। इस तजवीज़ को सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र इतफाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। फलक पैमा के फंड से 5,000 रुपये इब्तदाई अखराजात के लिए मंजूर किए गए। डॉक्टर जैदी की मदद के लिए 4 स्काई लार्क दिए गए। सलमान ने भी इस सिलसिले में एक तजवीज़ पेश की और वो ये थी कि तालीम बालगां का काम चूँकि रात को होता है, लिहाजा इस ग्रुप में काम करने वालों को दिन में अपने वक्त का कुछ हिस्सा तिब्बी इमदाद के लिए देना चाहिए। तजवीज़ माकूल थी और हंगामी हालात में नहायत मुनासिब थी, चुनाचे उसे भी मंजूर कर लिया गया। सफदर बशीर ने सलमान के इस जज्बे की दिल खोल कर दाद दी। जल्द ही फलक पैमा की जानिब से टाइफाइड के मरीजों के लिए एक मुतासरा इलाके में तिब्बी इमदाद का मरकज खोल दिया गया। बड़े जोशो खरोश और लगन से तिब्बी इमदाद का काम शुरू हुआ। स्काई लार्क सवेरे ही सवेरे हेडक्वार्टर से निकलते और रात गए लौटते। वो मरीजों को दवा देते, उनकी हर तरह देखभाल करते, बीमारी के खिलाफ एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के तरीक़े बताते, गंदगी से परहेज़ और सफाई पर ज़ोर देते। वो हर काम डॉक्टर जैदी की हिदायत और मशवरे से करते। डॉक्टर जैदी इन दिनों इस कदर मसरूफ़ रहता कि सर उठाने की मोहलत न मिलती। अक्सर रात को तिब्बी मरकज़ में कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाता। ज़रा आँख लगती के इतला मिलती कि फ़लाँ मरीज की हालत नाजुक है, वो फौरन उसके पास पहुँच जाता। कुछ अरसे बाद ये अंदाज़ा हो गया कि एक डॉक्टर से काम ना चलेगा। डॉक्टर जैदी की कोशिश से 2 डॉक्टरों की रजाकारान खिदमत हासिल की गईं। दोनों नेक दिल और खुदा तर्स थे, उनमें खिदमत खल्क की लगन भी थी। अब फलक पैमा ने 2 तिब्बी मराकज और खोल दिए थे। हर मरकज़ का इंचार्ज एक डॉक्टर था। इन कैंपों के अखराजात के लिए मज़ीद 5,000 की रकम मंजूर की गई। शहर के सरकारी और खैराती हस्पतालों का इंतज़ाम नाकिस था और उनसे भी ज़्यादा अफसोसनाक रवैया बेशतर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों का था। लिहाजा मरीज़ फलक पैमा के तिब्बी इमदाद के मरकज़ों में इलाज कराने को तरजीह देते। हर वक्त वहाँ मरीजों का हजूम रहता। टाइफाइड की वबा रफ्तार रफ्तार कम होती गई, मगर इस सिलसिले में फलक पैमा ने जो काम किया उसने स्काई लार्कों को पसमानदा इलाकों और बस्तियों में बहुत मकबूल बना दिया। आइंदा इजलास में जब हर ग्रुप के काम का जायज़ा लिया गया तो ये तजवीज़ सामने आई कि अब चूंकि टाइफाइड की वबा ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा तिब्बी इमदाद का ग्रुप तोड़ दिया जाए। लेकिन बाज़ स्काई लार्कों ने उसकी शदीद मुखालफत की। वो चाहते थे कि इस ग्रुप को बरकरार रखा जाए और किसी बस्ती में जगह हासिल करके एक छोटा सा हस्पताल कायम किया जाए। इस मंसूबे में चूंकि अखराजात ज़्यादा थे इसलिए मुत्तफ़िका तौर पर कोई फ़ैसला ना हो सका। कई घंटे तक बहस जारी रही, आखिर राय शुमारी हुई और अक्सरियत इस बात के हक में निकली कि अस्पताल ज़रूर कायम किया जाए। हस्पताल के लिए सबसे पहले एक क़ता राजी हासिल करना ज़रूरी था। चुनाचे इस मकसद के लिए एक इंतज़ामी कमेटी बनाई गई जिसने मुख्तलिफ इलाकों में घूम फिर कर एक ऐसी जगह मुंतखब की जो सड़क के किनारे थी और उसके नुक्ते नज़र से नहायत मौजू थी। दूसरे ही दिन फलक पैमा का एक वफ्द मुतालिका हुक्काम से मिला। हुक्काम से मुलाकातियों का यह सिलसिला एक अरसे तक जारी रहा। आखिर बहुत दौड़ धूप के बाद एक क़ता अराजी का अलाटमेंट मिल गया, मगर इस क़ता अराजी के साथ मुश्किल ये थी कि उस पर चंद ख़ानदान नाजायज़ तौर पर काबिज़ थे और एक मुद्दत से वहाँ आबाद थे। वो उसे खाली करने पर किसी तौर पर आमादा ना थे। उनकी बेदखली का हुक्मनामा जारी किया गया तो लड़ने झगड़ने पर आमादा हो गए। खासी नाजुक सूरतेहाल पैदा हो गई। फौरन फलक पैमा का हंगामी इजलास बुलाया गया जिसमें यह तय किया गया कि सलमान अपना असर व रसूख इस्तेमाल में लाए, इसलिए कि उस इलाके में तालीम बालगां का जो मरकज़ कायम था उसका इंचार्ज सलमान ही था। दूसरे ही रोज़ सलमान ने अपने शागिर्दों से इस सिलसिले में बातचीत की। मास्टर जी की बात किस तरह खाली जा सकती थी? दोबारा इस मसले की जानिब तवज्जो दिलाने की नौबत न आई। पूरी बस्ती उन लोगों के सर हो गई कि प्लाट खाली करो। मिन्नत समाजत भी की और धमकी भी दी कि प्लाट खाली न हुआ तो उनका सोशल बायकॉट कर दिया जाएगा।
वो लोग तादाद में थोड़े थे, बस्ती के हज़ारों अफराद से दुश्मनी मोल नहीं ले सकते थे। आखिर उन्होंने जगह खाली कर दी, बस्ती वालों ने दूसरी जगह उनके मकानात तामीर करने के लिए चंदा जमा किया। फिर सब ने खुद ही मिलजुल कर पहले ही की तरह झुग्गियाँ और नीम पुख्ता मकानात तामीर कर लिए। ये सारा काम आनन फानन हुआ, ना कोई खलबली मची ना हंगामा हुआ, सब काम इत्मीनान और सुकून से हो गया। इसकाई लारकों ने एक रोज़ जाकर देखा तो प्लॉट खाली था, मलबा तक साफ कर दिया गया था। चटियल ज़मीन सरमा की हल्की बसंती धूप में उजली उजली नजर आ रही थी। जगह का मसला हल हो गया तो हस्पताल की तामीर का काम जेर बहस आया। फंड में सिर्फ 6,000 रुपये रह गए थे। सफदर बशीर ने मजीद 10,000 रुपये दिए, मगर ये रकम भी हस्पताल के लिए कम थी। इसकाई लारकों ने एक इजलास में माली मुश्किलात के पेश नज़र ये फैसला किया कि अस्पताल की तामीर का काम खुद अपने दस्तों बाजू से अंजाम दिया जाए। इस इजलास में ये तजवीज़ भी पेश हुई कि इलाके के अवाम से हस्पताल की तामीर के लिए चंदा लेने की कोशिश की जाए, लेकिन कई इसकाई लारकों ने इस तजवीज़ की सख्त मुखालफत की। इख्तलाफ राय के बायस इस तजवीज़ पर इजलास में कोई फैसला न हो सका, इसे आइंदा इजलास तक मुलतवी कर दिया गया। अलबत्ता इसकाई लारकों को हिदायत की गई कि वो इलाके के रहने वालों से बातचीत करने के बाद ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि अगर चंदे की मुहिम शुरू की जाए तो उसकी कामयाबी के किस कदर इम्कानात हैं। इतवार की सुबह सफदर बशीर की कोठी पर एक झलकती हुई कैडलाक आकर रुकी। एक अधेड़ आदमी कार का दरवाज़ा खोल कर बाहर आया। उसका जिस्म किसी कदर भारी भरकम था, सर के बाल उड़े हुए थे, चेहरे पर सुर्खी थी, आंखों पर सुनहरी फ्रेम का चश्मा था। अपनी आन बान और वजाकता से वो खासा मुअज्ज़ज़ लगता था। वो आहिस्ता आहिस्ता छड़ी के सहारे चलता हुआ कोठी के अंदर दाखिल हुआ और सफदर बशीर से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। सफदर बशीर इस वक्त कोठी में मौजूद था। ड्राइंग रूम में दोनों की मुलाकात हुई। अजनबी ने सफदर बशीर से अपना तारुफ कराया। उसका नाम खान बहादुर फरजंद अली था। उसके पास हज़ारों एकड़ अराजी और जायदाद थी। ये मतरूका इमलाक थी जो उसने क्लेम की बुनियाद पर अलॉट कराई थी। ज़मींदारी के साथ साथ उसने शहर में कारोबार भी शुरू कर दिया था। उसकी मुस्तकिल रिहाइश भी शहर ही में थी। वो ख़ानदानी रईस था। उसका बाप भी खान बहादुर था, मगर ताज बरतानिया की ग्रां कदर खिदमात अंजाम देने और तमाम तर वफादारी और जानसारी के बावजूद सर का खिताब हासिल करने का अरमान दिल में लिए दुनिया से रुखसत हो गया था। खान बहादुर फरजंद अली ने मुलाकात का मकसद ये बताया कि वो चंदे की सूरत में फलक पैमा की माली इमदाद करना चाहता है। इसके साथ ही उसकी कुछ तजावीज़ भी थी। मसला चूँकि अहम था, लिहाजा सीनियर इसकाई लारकों से मशवरा करना ज़रूरी था। सफदर बशीर ने अली अहमद, फहीमुल्ला और डॉक्टर जैदी को भी ड्राइंग रूम में बुला लिया। खान बहादुर ने उनके सामने इमदाद की पेशकश की और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उसे अपनी तजावीज़ तमाम अरकान के सामने पेश करने का मौका दिया जाए। ये बात फलक पैमा की रिवायत के ख़िलाफ़ थी, मगर सफदर बशीर की सिफारिश पर खान बहादुर की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। तमाम इसकाई लार्क इत्तेफाक से हेडक्वार्टर में मौजूद थे, लिहाजा उसी वक्त फलक पैमा का हंगामी इजलास बुलाया गया। थोड़ी देर बाद तमाम इसकाई लार्क कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हो गए। खान बहादुर भी सफदर बशीर के हमरा कमरे में पहुंच गया। इजलास की सदारत के लिए अली अहमद का नाम तजवीज़ किया गया, जिसे दो इसकाई लारकों की तायीद से मंजूर कर लिया गया। अली अहमद सदर की कुर्सी पर बैठ गया। इजलास की कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो सफदर बशीर ने खड़े होकर खान बहादुर फरजंद अली का तमाम इसकाई लारकों से तारुफ कराया और उसकी माली पेशकश का जिक्र करते हुए कहा कि खान बहादुर इस सिलसिले में इजलास के सामने कुछ तजावीज़ पेश करना चाहते हैं। जब सफदर बशीर अपनी बात कहकर बैठ गया तो खान बहादुर ने खड़े होकर सदर से इजाज़त ली, खनकार कर गला साफ किया, रूमाल से चेहरे का पसीना खुश किया, चश्मा आँखों पर दुरुस्त किया। इस तैयारी पर उसने तकरीबन 1 मिनट सर्व किया। उसके अंदाज में एक ख़ास किस्म का रख रखाव था। उसकी आवाज़ भारी थी और लहजे में नरमी थी। बात करते वक्त वो बार बार अपनी गर्दन को एक ख़ास अंदाज से खम देता था। उसने सबसे पहले फलक पैमा के फलाही कामों की तारीफ़ व तौसीफ़ की, इसकाई लारकों की खातिरख्वाह हौसला अफजाई की। वो उस वक्त बड़े सरपरस्ताना अंदाज में बोल रहा था, बार बार मुस्कुराता,
सिगार के हल्के हल्के कश लगाता और सामने बैठे हुए स्काईलार्कों को ऐसी नजरों से देखता जैसे वो किसी दरसगाह के तालिब इल्म हैं, जिनका तजुर्बा महदूद और मुशाहिदा जिंदगी के इब्तदाई मराहिल में होता है। स्काईलार्कों ने उसकी बातों पर किसी नाराजगी का इजहार नहीं किया। वो न सिर्फ सिनो साल में उनसे बड़ा था बल्कि खासा बावकार भी नजर आ रहा था। खान बहादुर अपनी बात कहते कहते लम्हा भर के लिए रुका। उसने अपना ब्रीफकेस खोला, एक चेक निकाला और स्काईलार्क के रूबरू पेश करते हुए बोला, मैंने सुना है कि आपकी तंजीम अस्पताल तामीर करना चाहती है और इसके लिए उसे माली इमदाद की ज़रूरत है। इस सिलसिले में मेरी जानिब से एक हकीर पेशकश है, ये 20,000 का चेक है। खान बहादुर ने 20,000 पर ख़ास तौर पर जोर दिया और स्काईलार्कों को इस तरह गर्दन ऊंची करके देखा कि वो चट्टान की तरह पुरसकून नजर आने लगा। उसने 20,000 का चेक सदर को दिया। लम्हा भर तक खामोश खड़ा रहा। अब उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छा गई। उसने सिगार पर लंबा कश लगाया और स्काईलार्कों से खिताब करते हुए यूं गोया हुआ, मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर हस्पताल तामीर कर लेंगे। आप में वो जज्बा अमल पाया जाता है जिससे ज़िंदगी में बड़े बड़े काम अंजाम दिए जा सकते हैं। अचानक उसने अपना लहजा बदल दिया, गर्दन को अपने मखसूस अंदाज में खम दिया, मगर आप अस्पताल चलाएंगे किस तरह? मेरा मतलब उसके अखराजात से है। इसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं, हुकूमत की इमदाद या ज़ाती फंड, और ये दोनों ही सूरतें फ़िलहाल मुमकिन नहीं। खान बहादुर फर्जंदली ने सिगार के दो चार कश लगाए, सामने बैठे हुए स्काईलार्कों पर तायराना नज़र डाली और सिलसिला कलाम जारी रखते हुए कहा, मुझे नहीं मालूम कि आपकी तंजीम ने इस मसले पर क्या सोचा है, अलबत्ता इस सिलसिले में मेरी एक तजवीज़ है, उम्मीद है कि आप उसे पसंद फरमाएंगे। देखिए, बुनियादी बात यह है कि अस्पताल के अखराजात के लिए एक मुस्तकिल आमदनी का वसीला होना ज़रूरी है। क्यों ना आप ऐसा करें कि अस्पताल के नाम पर दवाएं इंपोर्ट करने का लाइसेंस हासिल कर लें। यह लाइसेंस तो बहरहाल आपको हासिल करना ही पड़ेगा, मगर इसमें इतना और करना पड़ेगा कि लाइसेंस अस्पताल की ज़रूरियात से ज़्यादा हो, कम अज़ कम दोगुना होना चाहिए। दवाओं का जो फाजिल कोटा बचे उसे बाज़ार में अच्छी कीमत पर फरोख्त किया जा सकता है। मेरा मतलब आप बखूबी समझ गए होंगे। उसने ब्लैक मार्केट में दवाएं फरोख्त करने की बात कहने से हत्तलवसो इतराज़ किया, सिर्फ मुस्कुराकर स्काईलार्कों को देखा। इंपोर्ट लाइसेंस और दवाओं की फरोख्त के बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा। अलबत्ता यहाँ एक बात की वजाहत ज़रूरी मालूम होती है, वो ये है कि दवाओं की फरोख्त से जो मुनाफा होगा उसमें 50% उस पार्टी को देना पड़ेगा जो आपके लिए इंपोर्ट लाइसेंस मुहैया करेगी और दवाएं फरोख्त करने की भी जिम्मेदारी होगी, इसलिए कि ये काम आप लोगों के बस का नहीं। उसकी तजवीज़ सुनकर स्काईलार्कों ने बेचैनी से पहलू बदले। कमरे की फिजा में इरताश पैदा हुआ, मगर किसी की ज़बान से एक लफ्ज़ नहीं निकला, सब खामोश बैठे रहे। खान बहादुर ने इस बदली हुई फिजा को महसूस किया और बड़े शगुफ्ता अंदाज में मुस्कुरा कर बोला, मुमकिन है आप लोग मेरी इस तजवीज़ पर चौंकें कि ये शख्स क्या बक रहा है, हमें ब्लैक मार्केटिंग की तरगीब दे रहा है। इस दफ़ा वो खुलकर मुस्कुराया, है तो भाई ये ब्लैक मार्केटिंग, मगर साहब कभी कभी ये भी करना पड़ता है। सर सैयद मरहूम को अपने मिशन के लिए तवायफों से भी चंदा मिला था। मौलवियों ने बड़ा शोर मचाया कि ये हराम की कमाई है, इसका इस्तेमाल कतई गैर शरई है। सर सैयद अगर उनकी बातों से मरूब हो जाते तो जनाब आज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नज़र ना आती, जिसने सच पूछिए तो बरसग़ीर के मुसलमानों में सियासी बसीरत और बेदारी का जज्बा पैदा किया। मिर्ज़ा गालिब ने गालिबन इसी मौके के लिए कहा था, मेरी तामीर में मुजमिर है एक सूरत खराबी की। उसने स्काईलार्कों पर तायराना नज़र डाली, कहने का मतलब ये है कि नेक काम के लिए कभी कभी बुराई का सहारा भी लेना पड़ता है। खान बहादुर ने ज़रा देर के लिए खामोशी इख्तियार की, सिगार से थोड़ा सा शगुल किया और फातिहाना अंदाज से सर ऊंचा करके तमाम स्काईलार्कों के रद्दअमल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। स्काईलार्कों में कशीदगी का एहसास ज़ाहिल हो रहा था, उनके चेहरे सोचते हुए नजर आ रहे थे, कमरे में खामोशी छाई थी। खान बहादुर ने खनकार कर गला साफ किया और लहजे में शफकत पैदा करते हुए कहा, जी चाहता है कि आप लोगों के साथ कुछ काम करो, भागदौड़ करना अब मेरे बस की बात नहीं।
उम्र 55 से भी तजावेज कर चुकी है, मगर काम करने का हौसला ज़रूर है। आप लोग तो मुझे अपना मुशीर बना लें, फिर देखिए मैं कैसे इस तंजीम को चलाता हूँ। मेरा एक मशवरा याद रखिए, हर काम के लिए रुपया बहुत बड़ी कुव्वत है। तंजीम बना लेना आसान है, मगर उसका चलाना बहुत मुश्किल है। बग़ैर फंड के कोई जमात या तंजीम नहीं चलती। बहरहाल मैंने आपके सामने एक मुखलसाना तजवीज़ पेश की है, अब जो जी चाहे आप लोग फैसला करें, आपको इख्तियार है। वो क्या कहा है किसी शायर ने, मानो ना मानो जाने जहां इख्तियार है, हम नेको बद हुजूर को समझाए देते हैं। बस मुझे यही अर्ज़ करना था, आगे आप लोगों की मर्ज़ी। मैंने खुलूस से दिल और नेक नियति से अपनी मारूजात पेश कर दी। वो इत्मीनान से कुर्सी पर बैठ गया और आहिस्ता आहिस्ता सिगार पर कश लगाता रहा। कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही, फिर कई स्काईलार्कों ने सदर से बोलने की इजाज़त चाही, मगर उसने किसी को कुछ कहने का मौका नहीं दिया। खान बहादुर को मुखातिब करते हुए कहा, खान बहादुर साहब, हम आपके कीमती मशवरों के लिए बेहद ममनून हैं, अब हमें इस बात का मौका दीजिए कि हम इसके तमाम पहलुओं पर गौर करके किसी नतीजे पर पहुँच सकें। खान बहादुर ने कहा, आप अपने फैसले से मुझे कब तक मुतला कर सकेंगे? मुझे यकीन है कि इसी इजलास में कुछ न कुछ ज़रूर तय हो जाएगा। वो बोला, अगर आप मुझे भी बहस में हिस्सा लेने का मौका दें तो मुझे अपना नुक्ता नज़र समझाने में सहूलत होगी। अली अहमद ने उसकी राय से इत्तेफाक न किया, साफ गोई से काम लेते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी इजाज़त न दे सकूँगा, ये बेज़ाब्ता बात होगी। मैं समझता हूँ कि आपने अपनी बात बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दी है, अब इससे ज़्यादा वजाहत की और क्या ज़रूरत हो सकती है। खान बहादुर फर्जंद अली ने मज़ीद इसरार न किया, वो रात के 9 बजे आने का वादा करके रुख्सत हो गया। सफदर बशीर ने तमाम इसकाई इलाकों की जानिब से उसका शुक्रिया अदा किया और कोठी के गेट तक छोड़ने गया। उसके जाने के बाद इजलास की कार्रवाई असर नौ शुरू की गई। सदर ने खान बहादुर की तजावीज़ पर इसकाई इलाकों को इजहार राय की दावत दी। वो बहुत देर से बोलने के लिए बेचैन थे, एक बार ही कई इसकाई लार्क ने बोलना शुरू कर दिया। इस तरह इजलास में गड़बड़ पैदा हो गई, वो चीख चीख कर बोल रहे थे। उनमें ऐसे भी थे जो खान बहादुर के हम ख्याल थे और वो भी थे जो उसकी शदीद मुखालफत कर रहे थे। इजलास का रंग बिगड़ता जा रहा था। अली अहमद ने बड़ी मुश्किल से सूरत हाल को काबू में किया और बहस के लिए यह तरीका इख्तियार किया कि एक इसकाई लार्क अगर तजवीज़ की हिमायत में बोलता तो दूसरे को मुखालफत में बोलने का मौका दिया जाता, फिर भी बार बार मुदाखलत की जाती। इस बहस से जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि इसकाई लार्कों की अक्सरियत खान बहादुर की हम ख्याल है। उनमें सलमान पेश था, वो उस वक्त बेहद जज्बाती हो रहा था। उसने अपनी तकरीर में न सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि खान बहादुर की तजवीज़ कबूल कर ली जाए, बल्कि जज्बात की रौ में और भी बहुत कुछ कह गया। तकरीर करते करते एक बार उसने आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, आपको दवाओं की चोर बाजारी पर एतराज़ है, मैं तो कहता हूं कि अगर हमें बैंकों को लूटना पड़े, सरमायेदारों की तिजोरियाँ तोड़नी पड़ें, जागीरदारों के महलों पर डाका डालने पड़े, तो हमें इससे भी दरेक नहीं करना चाहिए। हमें रुपया चाहिए गरीब और पसमानदा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए, उनकी भलाई के लिए। हम इसके लिए सब कुछ कर सकते हैं, हमारा नस्बुलैन बुलंद और हमारा मकसद अजीम है। हमें झूठी अखलाकी अकदार को नज़रअंदाज करके ये देखना चाहिए कि हम किस तरह जल्द से जल्द अपने प्रोग्राम को अमली जामा पहना सकते हैं। हमें वक्त की अहमियत किसी हाल में भी फरामोश नहीं करनी चाहिए। वो देर तक इसी अंदाज में बोलता रहा। उसने तकरीर ख़त्म की तो उसके हमख्याल इसका इलाकों ने ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। फलक पैमा का ये इजलास सहपहर को शुरू हुआ था और शाम तक जारी रहा। इसका इलाकों ने उस रोज़ सहपहर की चाय भी कॉन्फ्रेंस रूम ही में पी और इजलास की कार्रवाई जारी रखी। बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। जब शाम का धुंधलका कोठी के दरो दीवार पर फैल गया और कॉन्फ्रेंस की दीवार गिरियों से नारंगी शुआएँ फूटने लगीं, तो अली अहमद बोलने के लिए खड़ा हुआ। उसका चेहरा संजीदा था, आंखों में सुकून था। उसने जज्बात से आरी नरम और शगुफ्ता लहजे में अपनी तकरीर शुरू की। इसकाई लार्क साथियों, मैं जो कुछ कहना चाहता हूं, वो इजलास के सदर की हैसियत से नहीं,
बल्कि एक आम स्काईलार की हैसियत से। ये मेरी इनफरादी राय होगी। मैं समझता हूँ कि स्काईलार्कों ने खान बहादुर फर्जंद अली की तजवीज़ के बुनियादी मकसद को समझने की कोशिश नहीं की। खान बहादुर कारोबारी किस्म के आदमी हैं, रुपए से रुपया पैदा करना उनका मकसद हयात है। सलमान ने मुदाखलत करते हुए कहा, हमें भी खान बहादुर के बारे में किसी किस्म की खुशफहमी नहीं है। हम उनको फरिश्ता नहीं समझते, लेकिन इसके साथ ही हमें ये देखना चाहिए। अली अहमद ने सलमान को आगे बोलने का मौका नहीं दिया। मैं स्काईलार सलमान अहमद से दरख्वास्त करूंगा कि वो मुझे अपनी बात कहने का मौका दे। सलमान ने उसे मुश्तैल करने की कोशिश नहीं की और खामोशी से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। अली अहमद ने अपनी तकरीर जारी रखते हुए कहा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि खान बहादुर का मकसद हयात ज़्यादा से ज़्यादा रुपया पैदा करना है, यानी अपनी ज़रूरियात से बहुत ज़्यादा दौलत हासिल करने की ख्वाहिश। ये ख्वाहिश एक मुजरमाना फेल है। इसका मतलब है दूसरों के घरों से रोशनी छीन कर अपने ऐवानों में चिरागां करना, गरीबों के पसीने से झलकती हुई कारों के लिए पेट्रोल मुहैया करना, लाखों इंसानों के लिए ब्रहनगी और अपने लिए अतलस व कम ख्वाब। अली अहमद का लहजा बतदरीज ठीका होता गया, उसकी आवाज़ में घन घरज पैदा हो गई। ये मेहनत का इस्तेहसाल है, डाकाजनी है। इसका इलाकों में सनसनी फैल गई। वो सहरजदा इंसानों की तरह खामोश बैठे अली अहमद को देखते रहे, जो अब ऊंची आवाज से बोल रहा था, खान बहादुर से हमारा कोई समझौता नहीं हो सकता। हमारी राहें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। वो फलक पैमा को अपने मकासद का आलयकार बनाना चाहते हैं। पहले दवाओं की ब्लैक मार्केट होगी और खान बहादुर के मशवरों पर यूं ही अमल होता रहा तो फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि अस्पताल में दवाओं की बजाय रंगीन पानी की बोतलें नजर आएंगी। दवाएं चोर बाजार में पहुंच जाया करेंगी और बीमारियों में मुब्तला बेसहारा और मोहताज इंसान सिसक कर दम तोड़ते रहेंगे। अली अहमद ने हाथ उठाकर अंगुश्ते शहादत से बुलंदी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इस तजवीज़ के पसे पर्दा फलक पैमा की तमाही देख रहा हूँ। इसका इलाकों का इबरतनाक अंजाम। इजलास पर सन्नाटा छा गया। हर इसका इलाक दम बखुद था। क्या ज़रूरी है कि फलक पैमा एक शानदार अस्पताल तामीर करे जिसके कसीर अखराजात के लिए न सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग बल्कि बाज़ इसका इलाकों के मुताबिक डाकाजनी और लूटमार तक की जाए। उसका इशारा बराह रास्त सलमान की जानिब था। जनाब मन, ये रॉबिन हुड के शाह रिचर्ड का अहद नहीं है जब चंद अमीरों को लूट कर चंद गरीबों की मदद की जाती थी। ये इल्म आगही का दौर है, साइंस और जमहूरियत का दौर है। आज इंसान को अपने मसाइल का बखूबी इदराक है। वो इसके लिए जद्दोजहद कर रहा है। जो लोग इन मसाइल का हल नहीं जानते वो दहशतगर्दी और लाकानूनियत की तबलीग करते हैं। हमारे मुल्क के बहुत से नौजवान जज्बाती होकर इसी अंदाज से सोचते हैं। ये गुमराहकुन रुझान है, ये तबाही का रास्ता है। अली अहमद ने तमाम स्काईलार्कों के चेहरों का जायज़ा लिया और अपने लहजे में नरमी पैदा करते हुए गोया हुआ, जहाँ तक खान बहादुर का ताल्लुक है उनके साथ इस हद तक ताबुन करने का मशवरा दूंगा कि वो अस्पताल की तामीर के लिए जो चंदा दे रहे हैं उसे कबूल कर लिया जाए और उनकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी जाए। हालांकि मुझे यकीन है कि अगर उनकी तजवीज़ मंजूर ना की गई तो वो फलक पैमा को चंदा देने पर आमादा ना होंगे। यही उनके खुलूस और नेक नियति की आजमाइश होगी। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना। मैंने अपनी राय का पूरी दयानतदारी से इजहार कर दिया। फैसला आप सब मिलकर करेंगे। कमरे में खामोशी छा गई। अली अहमद ने इजलास की फ़ज़ा बदल दी, चुनाचे राय शुमारी की भी ज़रूरत न पड़ी। तमाम स्काईलार्कों ने उसकी राय से इत्तेफाक किया। इजलास ख़त्म हुआ तो स्काईलार्कों के चेहरों पर इत्मीनान और सुकून था। वो हंस हंस कर बातें कर रहे थे और अपनी अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारियां कर रहे थे। रात के 9 बजे थे। खान बहादुर की कार फलक पैमा के हेडक्वार्टर के सामने एक बार फिर नमूदार हुई। वो मुस्कुराता हुआ ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। सफदर बशीर, अली अहमद और फहीमुल्ला उसके इंतज़ार कर रहे थे। खान बहादुर ने कुछ देर तक इधर उधर की गुफ्तगू की, फिर हर्फ मतलब पर आ गया। कहिए, क्या फ़ैसला हुआ आपके इजलास में? सफदर बशीर ने जवाब दिया,
खान बहादुर साहब, हमें अफसोस है कि हम आपकी तजवीज़ पर अमल नहीं कर सकेंगे। अलबत्ता अगर आप अस्पताल की तामीर के लिए हमारी माली इमदाद करना चाहें तो हम आपके बेहद ममनून होंगे। खान बहादुर का चेहरा फक हो गया, घबरा कर बोला, ऐसी सूरत में संजीदगी से गौर करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अली अहमद ने नहायत खामोशी से 20,000 का चेक निकाल कर उसके सामने डाल दिया। ये चेक हाजिर है, आप जैसा मुनासिब समझे फैसला करें। खान बहादुर ने मुस्कुराने की कोशिश की, लहजे में नरमी पैदा करते हुए कहा, देखिए बुरा मानने की बात नहीं, रुपया बड़ी मेहनत से हासिल होता है, लिहाजा आप मुझे ये हक तो देंगे कि अगर मैं किसी मकसद के लिए चंदा दूं तो ये भी देखूं कि मेरी रकम सही काम पर सर्फ हो रही है या नहीं। फिर आप ये भी गौर करें कि 20,000 बहुत बड़ी रकम होती है।